क्या आपके यूजेज में एक से ज्यादा सिम्स हैं? कितनी हैं? एक, दो, तीन। अगर दो से ज्यादा सिम आप यूज करते हैं तो आज की वीडियो खास आपके लिए बनी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। Assalamualaikum and welcome to Tech Ribbon। मैं हूं मोहम्मद अल बाकर और आज जो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो एक बहुत ही स्पेशल फोन है। इसका नाम है मी मोबाइल L3 Plus। L3 का मतलब है कि ये एक वक्त में तीन सिमें चला सकता है। तो चलें चल के इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले हम नज़र डालते हैं इसके बॉक्स पे। सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो है 15 मंथ्स की वारंटी। बाकी इसमें मेन चीज़ है इसका पावरफुल टॉर्च, FM रेडियो और वाइट एंड ब्लैक कॉल लिस्टिंग। और जो फीचर इसका बहुत ख़ास है वो है इसका एक ही वक्त में तीन सिम यूज़ करना। आजकल के मोबाइल नेटवर्क का तो पता ही है, किसी जगह किसी के सिग्नल आते हैं तो किसी जगह किसी के। और एक साइड पर इसके बहुत सारे फीचर्स की लंबी लिस्ट लगी हुई है, आप पॉज करके भी एक एक फीचर्स पढ़ सकते हैं। फोन एक और फायदे अनेक। तो कैसा लगा हमारा ये न्यू स्टाइल? और ये आई हमारी सबसे पहली चीज़ जो है हमेशा की तरह इसका वारंटी कार्ड। उसके नीचे ये एक बेहतरीन सा फ़ोन फ्रॉस्टेड कवर में। लेकिन पहले हमेशा की तरह फ़ोन को साइड पे रखते हैं और बॉक्स के कंटेंट में नज़र डाल लेते हैं। एक अदद चार्जर मिलता है फ्रॉस्टेड कवर में और इसमें से हमें मिलता है माइक्रो USB वाला चार्जर जो डिटैचेबल नहीं है, और एक बैटरी और साथ ही इस फोन के डिटेल यूजर मैनुअल। चलिए इस फोन को देखते हैं। मी मोबाइल की क्वालिटी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही, हर नए से नए मॉडल में ये काफी इम्प्रूव करता जा रहा है और फील्स भी काफी अच्छी है। क्लासिक फोन्स की यही मजे की बात है कि आप इसकी बैटरी जब चाहे मर्जी चेंज कर सकते हैं। इसमें मिलती है हमें एक 1200 mAh की बड़ी बैटरी जो क्लासिक फ़ोन को आराम से 4 दिन चला सकता है। ये देखें नाजरीन, ये एक सिम, ये दूसरी सिम और ये है तीसरी सिम स्लॉट, और फिर आता है हमारा ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट। ये ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन कितना कोई क्लासिक लगता है। ये मी मोबाइल वाले अपने स्पीकर्स पर काफी काम करते हैं, स्पीकर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यार बटन तो काफी सॉफ्ट है इसके यूज करने में। ये फोन 3 कलर्स में भी अवेलेबल है और ये है इसकी सर्च लाइट जैसी टॉर्च, चाहे जितना भी अंधेरा हो ये पूरा इलाका रोशन कर सकता है। इसे आगे जाके टेस्ट भी करते हैं और याद से किसी की आंखों में ना मारिएगा इस टॉर्च को। इसकी बैक देखते हैं तो काफी एलिगेंट है, एक कैमरा और एक अदद स्पीकर। इसकी साइड्स को देखें तो ऊपर एक पावरफुल टॉर्च है, नीचे की तरफ देखें तो एक हेडफोन जैक, एक चार्जिंग जैक और एक माइक्रोफोन मिलता है। लेफ्ट और राइट साइड पे कुछ भी नहीं। ये फोन छोटा सा होने की वजह से काफी हैंडी महसूस होता है, ग्रिप भी अच्छी है और स्लिप होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये डायल टोन कितनी सेटिस्फाइंग है, सुन के कितनी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। अब अंधेरे में देखते हैं ये टॉर्च कितनी पावरफुल है। हर चीज एकदम क्लियर नजर आ रही है, टेक्रू एंड पेंडा दोनों रोशन हो गए हैं। ये एक प्रोजेक्टर टॉर्च है जो काफी वाइड एंगल में रोशनी को स्प्रेड करती है। तो ये थी मी मोबाइल L3 Plus की अनबॉक्सिंग। इसके रिव्यू में आप क्या चीज चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको टेस्ट करके रिव्यू में लेके आए। बाकी इस फोन को बाय करने के लिए सारी डिटेल्स मी मोबाइल की भी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है, आप जाके आराम से वहां से शॉप कर सकते हैं
बाकी ये तमाम मोबाइल रिटेलर्स के पास मी मोबाइल के फ़ोन्स अवेलेबल होते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।